क्लास में बात करो, भूल जाते हो। क्लास में जब हम यहाँ खड़े तब आप बतिया रहे हैं, कोई डिसिप्लिन है नहीं आप लोगों का। यहाँ पर देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आपका है जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में जब रोटेट करेगा यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है ना, तो वहां पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन जो होगा वो सेंटर की तरफ होगा। जैसे मान लेते हैं ये बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है स्पीड v से, ठीक है ना, तो यहाँ पर इस बॉडी पर एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा सेंटर की तरफ, जिसको आप बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो हमेशा सेंटर की तरफ ही लगेगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर बॉडी पर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा है तो ये बॉडी रोटेट क्यों कर रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है क्या कि अगर सेंटर की तरफ लगेगा तो बॉडी को सेंटर की तरफ जाना चाहिए, अगर बॉडी सेंटर की तरफ नहीं जाता है ये रोटेट ही करते रहता है। यानी कार वगैरह या कोई भी चलाते होंगे, अगर रोटेशन या साइकिल चलाते हैं तो क्या देखते हैं, रोटेट करता है। अगर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है तो वहाँ पर फोर्स भी लगेगा, इसको आप बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, जो उसको सेंटर की तरफ खींचेगा, इसको बैलेंस भी करता है। यहाँ पर एक फोर्स जो होता है इसको स्यूडो फोर्स बोला जाता है, स्यूडो होता था काल्पनिक, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। यहाँ पर एक एक्सेलरेशन लगेगा जिसको आप बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। मतलब कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा तो वहां पर दो तरह का एक्सेलरेशन जनरेट होगा, एक सेंटर की तरफ जो लगेगा उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, इस एक्सेलरेशन को बैलेंस करेगा एक सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इसको बैलेंस करेगा। अगर एसी का वैल्यू एफ के बराबर है तब बॉडी सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा, तब बॉडी क्या होगा, बॉडी ऑन द सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। अगर एसी का वैल्यू ग्रेटर देन एफ होगा तब ये सर्कुलर पाथ पर नहीं होगा, तभी बॉडी कहाँ आ जाएगा, रोटेट करते करते सेंटर में पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, सेंटर में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। या अगर एसी का वैल्यू लेस देन एफ होगा तब ये बॉडी क्या करेगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, मतलब ये आपका सर्कुलर पाथ नहीं बनाएगा, है ना, मतलब ये आप रोटेट करेगा फिर बाहर की तरफ ऑटोमेटिक मूव कर जाता है। जनरली जब टर्निंग पॉइंट पर आप देखते होंगे जब टर्निंग होता है तो आपको लेना था लेफ्ट टर्न, आप फेंका जाते हैं राइट टर्न पर, है ना, वहां पर क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो अनबैलेंस हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल के कॉम्पिटिशन में, क्या अगर दोनों फोर्स बराबर होगा तब वो आप रोटेट कर जाइएगा, नहीं होगा तो आपका एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे कार बहुत स्पीड से टर्निंग पर होता है तो क्या होता है, वो मूव कर जाता है, अवे स्पीड कर जाता है, पलट जाता है, ठीक है, बाहर वर्ल्ड में ऐसा होता है, अगला यूनिट में ये पढ़ाया भी जाएगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना, टर्निंग पॉइंट पे बैंकिंग उसको बोला जाता है, बैंक रोड बोला जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर निकाल के बताया जाएगा फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, सरफेस कैसा होना चाहिए, टर्निंग पे स्पीड कितना होना चाहिए, वो सारा चीज़ आपको नेक्स्ट चैप्टर में निकाला भी जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का ही कॉन्सेप्ट होगा, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का ही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना। आप बोल सकते हैं कि बॉडी विच इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड विच इज इन प्लेन, जो प्लेन होगा, देन एन एक्सेलरेशन is generated across the body towards the center of the circular path is called सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में जब चलेगा सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इसे जिस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आपका होगा एसी, एसी डिपेंड करेगा स्पीड पर, जिसका फॉर्मूला होता है v2/r, एसी का वैल्यू कितना होगा v2/r होता है, ठीक है ना। यहाँ पर
v इक्वल टू जो होता है v कितना होता है, v इक्वल टू होता है r ओमेगा, ठीक है ना। ac का वैल्यू जो होगा r ओमेगा का स्क्वायर बाय r, तो ac इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर बाय r, r से r कट जाएगा तो ac का वैल्यू हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, ac का वैल्यू कितना होगा r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ac / r, मतलब ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ac / r, यहां से ओमेगा भी निकल सकता है आपका, ठीक है ना। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 / म्यू, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट a / r, यहां से फ्रीक्वेंसी निकालेगा तो 1 / 2 / अंडर रूट a / r हो जाएगा। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ को मूव कर रहा है अगर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए देगा तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, एंगुलर स्पीड भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला है, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला को डिराइव किया जाएगा। फोर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको डिराइव करना है कैसे, ये ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर कैसे आप लिखते हैं, ठीक है ना। जो प्रूफ ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, जैसे सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा जिसका स्पीड यहाँ पर मान लेते हैं कि v1 है, यहाँ पे इसका v2 है, इस तरह से आपका v3 है, इस तरह से v4 है, हर अलग अलग पॉइंट पे इसका स्पीड अपना होगा, ठीक है ना। और ये एंगल जो डिस्क्राइब करेगा इसको हम मान लेते हैं कि ये d थीटा है, ठीक है। तो वेलोसिटी को जब आप एक साथ रिलेट कीजिएगा, मान लीजिए एक वेलोसिटी आपका वी वन है, इस तरह से एक वेलोसिटी आपका है वी टू, ठीक है ना। इसका जो होगा रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, डेल वी वेक्टर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा वी टू माइनस वी वन हो जाएगा, और ये एंगल कितना डिस्क्राइब कर रहा है डी थीटा, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू आपका है ओ ए बी वैक्टर आप पढ़े होंगे तो उसमें रिजल्टिंग वैक्टर के बारे में आपको बताया गया होगा कि अगर जैसे ये फिगर है ए वैक्टर, ये बी वैक्टर है, ये आपका आर वैक्टर है, तो आर वैक्टर को क्या लिखते हैं ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, तो बी वैक्टर इक्वल टू क्या होगा आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर, जैसे ये आपका आर वैक्टर है, ठीक है ना। ये हो गया आपका बी वैक्टर, ये हो गया ए वैक्टर, यहाँ पर बी वैक्टर का वैल्यू कितना आ गया, बी वैक्टर हो गया डेल्टा बी वैक्टर, आर वेक्टर मतलब हो गया v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, तो वेक्टर के हिसाब से डेल्टा v1 क्या लिख सकते हैं v2 माइनस v1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। v1 v2 का स्पीड जो है कि यूनिफॉर्म स्पीड से आप ले रहे हैं, v1 और v2 का स्पीड को आप क्या मान सकते हैं, लगभग बराबर मान सकते हैं, मान लेते हैं कि v स्पीड है, ठीक है ना। तो सर्कुलर पाथ में आपको बताया गया होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बताए थे कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चल रहा है और ये यहाँ से यहाँ तक अगर मूव करेगा, ये लेंथ एल है जिसको आर लेंथ बोलते हैं, तो थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर, थीटा क्या होगा एल बाई आर, इसके हिसाब से अगर आप देखिएगा तो इधर होगा आपका थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल वी बाई डेल वी कितना हो जाएगा डेल वी बाई आपका आर, आर में आप लोग हम ये लंबाई ले रहे हैं वेलोसिटी को ही ले रहे हैं, जिसको आप वी लिख सकते हैं वी वन या वी टू लिख सकते हैं आप दोनों से कोई भी, यहाँ पर r है और यहाँ पर r के यहाँ पर क्या लिखा गया है r के यहाँ पर v1 लिखा गया है, r के यहाँ पर v2 लिखा गया, इसलिए v1 v2 दोनों को बराबर मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेट अगर ये बराबर होगा तो इसको v लिखे या v1 लिखे या v2 लिखे, है ना। यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ गया डेल्टा v बाई v आ गया, वेलोसिटी बाई वेलोसिटी का रेशियो, डिस्टेंस बाई डिस्टेंस का रेशियो क्या कहलाता है थीटा, वेलोसिटी बाय वेलोसिटी का रेशियो क्या कहलाएगा थीटा, अगर इसको आप वेलोसिटी के टर्म में इक्वेट करेंगे तो। अब यहाँ आप जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है थीटा बाय टी, ओमेगा क्या होता है थीटा बाय टी, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा ओमेगा इनटू टी हो जाएगा, तो आपका यहाँ जो थीटा जो आपका है या डेल्टा थीटा जो भी है डेल्टा थीटा इक्वल टू कितना है, जैसे आप डेल्टा थीटा इसको लिए तो डेल्टा मान लीजिए डेल्टा वी बाई वी है, डेल्टा टी में आप डेल्टा टी का यहाँ पे क्या रखिएगा ओमेगा इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डी वी बाई वी हो जाएगा, ये ना होगा। अब यहाँ पर ओमेगा इंटू वी इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी में क्या होगा डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को आप क्या बोलते हैं
एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में टाइम क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इनटू वी, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर, यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी बाई आर इनटू वी, मतलब ए का वैल्यू आ गया वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला आ गया, दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ठीक है ना, जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ जनरेट होगा, ठीक है। एसी का ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एसी इक्वल टू जैसे आपका वी स्क्वायर बाई आर है, तो वी इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, एसी इक्वल टू लिखेंगे आर ओमेगा का होल स्क्वायर बाई आर, एसी इक्वल टू जाएगा आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई आर, आर से आर कट गया, एसी कितना हो गया आर ओमेगा। ये भी हो सकता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाई आर, यही फॉर्मूला आपको ड्राइव करने के लिए एग्जाम में देगा, तब ऐसे ड्राइव करेगा, तो पूरा मैथमेटिक्स का यूज किया जाएगा वेक्टर का, है ना। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया आपका, ए सी इक्वल टू कितना हो गया वी स्क्वायर बाई आर, एनसीईआरटी में भी ड्राइव किया हुआ है, ठीक है। तो कीड़ा बोलते हैं, है ना, एक सर्कुलर पाथ में ग्रुप बना, एक पाथ बना रहा हो, ठीक है ना। रेडियस इसका कितना दिया हुआ है, रेडियस आता है 12 सेंटीमीटर, है ना। इसको आप लिख सकते हैं 12 इंटू 10 के पावर माइनस 2 मीटर या 0.12 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। मोव सराउंड ए ग्रुप स्टेबली एंड कंप्लीट 7 रेपिटेशंस, ये 7 बार रोटेट किया, मतलब कि 7 रेपिटेशंस इन 100 सेकंड, टाइम कितना लिया आपका 100 सेकेंड, 100 सेकेंड में आपका 7 रेवोल्यूशन इसका हो रहा है, ठीक है। बोला व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू जो होता है आपका थीटा बाई टी होता है, एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनाएगा 2π, 7 में कितना बनाएगा 7 × 2 π, टाइम कितना है आपका 100, ये हो गया आपका एंगुलर स्पीड, कितना रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। एंड इट्स लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन, लीनियर स्पीड निकालना है तो v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इनटू r होता है, ओमेगा कितना है 14π/100, r का वैल्यू कितना है 12 इनटू 10 के पावर माइनस 2, क्या इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका निकल जाएगा लीनियर स्पीड, कितना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बोला है कि इज द एक्सेलरेशन मैग्नेट इज कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो कौन सा एक्सेलरेशन यहां जनरेट होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू होता है जी स्क्वायर बाय आर, है ना। इसको बैठा दीजिएगा, वी का वैल्यू आपको दिया ही हुआ है, आर दिया ही हुआ है, तो सॉल्व हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है।